नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेम है दोनों एक जैसे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ हमें W दे रखा है 3z-4/z-1। निकालना क्या क्या है, फिक्स पॉइंट निकालना है, नॉर्मल फॉर्म निकालनी है और इसकी नेचर बतानी है। नेचर जो हमने ये अभी अभी पढ़ी थी, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ये वाली है हमारी, ये जो हमने चार पढ़ी थी, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के फिक्स पॉइंट आते हैं। अगर हमारा ओनली वन फिक्स पॉइंट है तो फिर ये वाला नॉर्मल फॉर्म है, बाकी देखते हैं चारों में से कौन सा आएगा, ठीक है। और फिक्स पॉइंट का तो आपको तरीका पता ही है कि W इज इक्वल टू जेड। तो सबसे पहले लिखा है फॉर फिक्स पॉइंट, W को जेड पुट कर दिया, W की जगह जेड पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 डिग्री की इक्वेशन आ गई, उसको सॉल्व किया, दोनों रूट सेम आए। आगे लिखा है इसीलिए जेड इज इक्वल टू 2 इज द ओनली फिक्स्ड पॉइंट, एक अकेला फिक्स पॉइंट आया क्योंकि दोनों सेम आ गए। और इस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहते थे, पैराबोलिक। ये मैंने यहां बताया था आपको कि अगर सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट आए तो इसको पैराबोलिक कहते हैं। और इस सिचुएशन में हम इसको इस फॉर्मेट में लिखते थे, 1/W- जो भी फिक्स पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो हमारा फिक्स पॉइंट कौन सा आया था, 2। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है आखिरी में, 1/W-2 की, जो कि कैसी आनी चाहिए, 1/W-2 बराबर आना चाहिए 1/z-2 प्लस समथिंग, वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो करने को देखो इसके दो तरीके हैं। आप ऐसा भी शुरू कर सकते थे कि आप 1/W-2 इसको सॉल्व करना शुरू करते और सॉल्व करते करते आपके पास ये आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन बुक में इन्होंने दूसरे तरीके से किया हुआ है। इन्होंने क्या किया, ये जो W दिया था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सारे को, तो ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। इसके बाद ये सारे को इस तरफ ले गए, ठीक। उसके अलावा अब ये इस पूरे में ना दो टर्म्स बनाना चाहते हैं, एक W-2 और एक Z-2। उसके लिए इन्होंने क्या किया, रफ पेज पर इसको अलग से आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इसमें इनकी मल्टीप्लीकेशन में टोटल 4 टर्म्स आएंगी। हो सकता है उनमें से कुछ टर्म्स यहाँ पर ऑलरेडी हो सकता है ना भी हो, तो जो थी यहाँ पर तो ठीक है, और अगर कोई टर्म यहाँ पर नहीं थी तो उस टर्म को यहाँ पर प्लस भी कर लो और माइनस भी कर लो, और जो हिस्सा इसमें चला गया वो तो इसमें डाल दिया, और जो प्लस माइनस करके बचा वो यहाँ डाल दिया, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हो, पहले सारे को एक तरफ ले जाओ, फिर हमें इस पूरे में क्या बनाना है, एक टर्म होनी चाहिए W-2 इंटू में Z-2, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो रफ में कि कौन कौन सी 4 टर्म्स आएंगी, उनमें से कौन कौन सी ऑलरेडी यहाँ पर हैं और कौन कौन सी एक्स्ट्रा हमें प्लस भी करनी पड़ेंगी और माइनस भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद देखो ये तो ऐसे का ऐसा आ गया सारा, और उसके बाद इनमें से हमने इसको सॉल्व करके लिख लिया। देखो प्लस का 2z माइनस का 3z, कितना बचा, माइनस का z, यहाँ भी माइनस का z है। प्लस का 2w माइनस का w, कितना बचा, प्लस का w, यहाँ भी प्लस का w है। तो कौन सी टर्म इसमें फालतू दिख रही है, प्लस का 2 और माइनस का 2, वो इन्होंने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। इसका मतलब पूरे के पूरे को हमें किस फॉर्मेट में चेंज करना था, W-2 Z-2 W-2 Z-2, और W-2 या Z-2 में ही क्यों कन्वर्ट करना था, क्योंकि हमारा आंसर इस फॉर्मेट का होना चाहिए था कि 1/W- जो भी फिक्स पॉइंट आया इज इक्वल टू 1/Z- जो भी फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट हमारा क्या आया था, 2। तो हमारे आंसर में क्या क्या चीजें आनी चाहिए थी, 1/W-2 आना चाहिए था और 1/Z-2 आना चाहिए था। इसलिए हमने इस सारे को क्या बनाने की कोशिश करी, W-2 और Z-2 की टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद पूरे को डिवाइड कर दो किससे, W-2 Z-2 से, तो ये तो डिवाइड करके कितना बच गया, 1। यहाँ Z-2 कट के कितना बच गया, W-2, और यहाँ यहाँ पर W-2 वाली टर्म कट गई और कौन सी बच गई, Z-2 वाली। उसके बाद इसको इस तरफ रख लिया, बाकी दोनों को दूसरी तरफ ले गए, तो विच इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये थी हमारी नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। यहाँ के हिसाब से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर था ना नॉर्मल फॉर्म क्या था, 1/W- जो भी फिक्स पॉइंट है हमारा 2 था, इज इक्वल टू 1/Z-2 प्लस k, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और इसको कहेंगे क्या, पैराबोलिक, क्योंकि जब एक फिक्स पॉइंट आता था तो उसको पैराबोलिक कहते थे, ठीक। तो तीन चीजें पूछी थी, देखो फिक्स पॉइंट पूछा था, उसके लिए हमने W को जेड लेना है, नॉर्मल फॉर्म पूछी थी, तो ये वाली हमारी नॉर्मल फॉर्म है, दिस वन। और उसके अलावा क्या पूछा था, नेचर पूछा था, तो वो इसकी पैराबोलिक नेचर है, ठीक। ऐसे ही सपोज ये दूसरा क्वेश्चन है, अगर इसमें भी एक ही मान लो फिक्स पॉइंट आता है तो प्रोसेस बिल्कुल सेम हो गया, लेकिन सपोज इसके दोनों फिक्स पॉइंट अलग अलग आ जाते हैं तो हमें इसका फॉर्मेट ये वाला बनाना है, W- पहला फिक्स पॉइंट अपॉन में W-
दूसरा फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू के कुछ भी आ सकता है, जेड माइनस पहला फिक्स पॉइंट बटे में जेड माइनस दूसरा फिक्स पॉइंट। इस फॉर्मेट में हमें बनाना होगा कब, अगर किसी क्वेश्चन में दोनों फिक्स पॉइंट हमारे अलग अलग आते हैं तो।